very good for worship. Good evening and good evening from God bless. And you know, I today, while I was coming, God, as you join me, just aap log mere ko join karenge. जो लोग यहाँ हैं जो मुझे ज्वाइन करेंगे जो देखेंगे तो वो आपको कई लेवल्स पे हील करेगा. वॉइस शुड बी क्लियर ना अगर तो कई लेवल्स पे आपको हील करेगा प्रभु. कितने बुरे नहीं दिन लग रहे बाल ठीक ओके डैशिंग लंबे तो healing, part of my ministry is healing. और जब मैं आप चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से आदमी बीमार होता है तो उसकी दुनिया रुक जाती है और उसी को पता रहता है कि कितनी तकलीफ हो रही है. साथ में घर वालों को भी तकलीफ होती है. काम सफर करता है. सेहत तो सफर हो ही रही है. घर का मूड खराब हो जाता है. परिवार का मूड खराब हो जाता है. तो आज आप जहां पे भी मुझे देख रहे हैं और अगर मेरी आवाज आपको ठीक तरह सुन रही है तो कट कीजिए. जो लोग देख रहे हैं वॉइस इज गुड. अगर कम सुन रहा है तो लिखिए वॉइस इज नॉट गुड तो मैं कुछ इंतजाम करूंगा उसका. तो हीलिंग जो है उसका प्रोविजन है बाइबल. जो मेरे साथ ट्रैवल करते हैं लोग जो लोग क्रूसेड्स में आते हैं हम लोग हमने हजारों हीलिंग देखी है जो सामने हो जाती है इंस्टेंटली हो जाती है. और आज जो मुझे लोग देख रहे हैं अगर आप बीमार हैं तो आप लिखिए यहां को क्या बीमारी है फिर मैं देखता हूं कि अभी नहीं तो बाद में आपके लिए दुआ करूंगा. साउंड सुन ही लेते हैं ना कैसे One of the names of God is Jehovah Rapha, which means full volume. ये लगा लेते भाई है ना सुन रहा नहीं वो चाहे तो लगा लेते हैं लगा लो एक मिनट जरा बेयर विद मी माइक लगा रहे हैं कि आपको आवाज और क्लियर सुनाई दे. वॉइस यू गुड पास्टर जी तो फिर भी लगा ले वॉइस यू गुड पास्टर जी. हेलो हेलो या तो जेहोवा राफा इज आवर हीलर आवर प्रोवाइडर आवर हीलर आवर एवरीथिंग. जुड़ते जाइए मेरी स्पिरिट में है कि आप बहुत बीमार लोग जुड़ेंगे आज और प्रभु आपको हील करेगा. यहाँ पे भी जो बीमार है तो हीलिंग आएगी. हीलिंग की समझ भी आएगी. हीलिंग की समझ बड़ी जरूरी. पूरी तरह से तो नहीं हम समझ सकते लेकिन जितनी समझ सके उतना अच्छा है. बैक हो गया तो
मेरे साथ में बोलिए, यहोवा राफा इज माय हीलर, और वो मुझे चंगाई दे। और हीलिंग जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यू टेस्टमेंट में है, हीलिंग ओल्ड टेस्टमेंट में खूब है, जबरदस्त हीलिंग है। और तरीके हैं हील होने के, अगर आप बीमार हैं तो आप एक्सोडस 23:25 खोलिए, एक्सोडस 23:25। मैं इंग्लिश में भी बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ टाइम की वजह से। वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड, अपने प्रभु को की आराधना करो, स्तुति करो, एंड हिज ब्लेसिंग्स विल बी ऑन योर फूड एंड वाटर, और उसकी आशीष जो है आपके पानी पे और खाने पे होगी। आई विल टेक अवे सिकनेस फ्रॉम अमंगस्ट यू, मैं तुम्हारे बीच में से बीमारी निकाल दूंगा। देखिए आजकल अभी मैं देख रहा था, हर चीज में प्लास्टिक मिला रहे हैं लोग, पता नहीं कौन से शैतानी लोग हैं, लड्डू को घोल का बीच में प्लास्टिक निकलता है हर चीज में, उसका वेट बढ़ाने के लिए। तो हम क्या क्या देखें खोल के, तो हमारे को क्या है, वर्शिप करनी है प्रभु की, और ही विल ब्लेस आवर फूड एंड वाटर। हाँ, हमारा फूड जो है प्रभु ब्लेस करे और हमारे को सही फूड मिले, समझ रहे हैं। दुनिया तो पैसे कमाने के लिए कुछ भी करती है, फिर उनको ये नहीं पता कहाँ जाते हैं वो लोग, बड़े अफसोस की बात है। वो सोचते हैं वो समझदार हैं, वो समझदार नहीं है, बेवकूफ है। सरबजीत सिंह जी, रिजवानी हरीश जी, निहारिका जी, मोहित कुमार जी, खातून जी, खुर्रम मसीह जी, दीपा हकानी जी, सिमरन कौर जी, सुजैत खैन जी, खान जी, ऑगस्टिन लाल जी, प्रणति प्रधान जी, मोहित कुमार जी, सबका स्वागत है। हितेश कुमार जी, सबका स्वागत है, वेलकम। राजा मलकीलाल जी, सबका स्वागत है, वेलकम टू यू ऑल। ये प्रभु है, ये आपको तंदुरुस्त चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमें सद्बुद्धि भी दी। उन्होंने हमें, प्रभु का खाना था ऑलिव ऑयल, बेक्ड फिश, वेजिटेबल्स, लिटिल बटर, ऑल दिस थिंग्स। तो जिस तरह प्रभु येसु खाते थे, अगर हम खाएंगे तो लंबा जिएंगे। बहुत सारे उनके कल्चर में सैलेड बहुत खाया जाता है, कच्चे पत्तियां, पत्ते, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छी बात है। और प्रभु पे जब ध्यान रहता है तो प्रभु की आशीष जो है वो हमारे भोजन पे आती है। जब हमारे भोजन पे आती है तो भोजन जो है हजम ठीक से होता है, पचता ठीक से है, और ताकत देता है। मैं किसी को देख रहा हूं अपनी स्पिरिट में, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो भी कमेंट कीजिए। आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपको जो भी आप खाते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है, तो अगर आप देख रहे हैं तो प्रभु आज आपको हील करेगा। और यहां पे भी अगर किसी को इरिटेबल बाउल कंडीशन है, जिसमें दस्त लग जाते हैं और पेट में इरिटेशन रहती है, कुछ भी खाओ तो बाथरूम जाना पड़ता है, तो उसका उल्टा है यार, कब से कहां से बाथरूम जाना पड़ता है, कभी में इट इज
getting the runs. So, agar aapko, you can comment here if you have a problem with your digestion, God will heal you. So worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. And I will take away sickness amongst you. Jitne log mujhe dekhna aaj main alag message hai, jaisa Prabhu bol rahe hain. Jo mujhe dekhna jo mere saath baithe hain Prabhu. Bless the people who are watching, jo dekh rahe hain, jo yahan hain. हमारा हम वर्शिप करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आप इसी टाइम प्रभु हमारे पानी को खाने को ब्लेस कर रहे हैं प्रभु, और हर बीमारी को हमारे बीच में से निकाल रहे हैं. आमीन. समझे आप? कुछ लिखिए आप. आज बहुत लोग हील होंगे मुझे देखते हुए, मेरी वजह से नहीं, यीशु मसीह की वजह से. Deuteronomy 32:39 बोलती है. See now that even I am He, and there is no gods besides me. सिर्फ मैं ही खुदा हूं, मैं ही प्रभु. I kill and make alive. मैं मार सकता हूं, मैं जीवित कर सकता हूं. I wound and I heal. मैं ठीक कर सकता हूं, मैं wound कर सकता हूं. There is no other that can deliver out of my hand. This is a great thing and a warning कि आप अगर प्रभु को बोलेंगे कि भाई मैं मानूंगा ही नहीं उसकी बात और फिर आशीषित होऊंगा और मैं तो विपरीत करूंगा जो प्रभु बोलते हैं, तो फिर प्रभु के हाथ में सब कुछ है. मारना भी है, जिंदा करना भी है. एक सेकंड में कर देता है वो जो उसको करना है. बहुत लंबी टाइम देता है हमें सीखने के लिए. हम सीखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है. समझेंगे नहीं आप? तो प्रभु Deuteronomy. तो हमारे को क्या करना है, कई बार तो हमारे में घमंड आ जाता है. तो अगर हमें हील होना है, यहाँ पे भी मोनी जी ने स्क्रिप्चर लगाया हुआ है, अपना भावना जी ने बड़ी खूबसूरत तरीके से लगाया है वो स्क्रिप्चर. तो दिखाओ वो स्क्रिप्चर, पढ़ सकते हैं आप मेरे साथ हिंदी में. सिर्फ स्क्रिप्चर. ओके. यस. 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name humble themselves and pray, seek my face and turn from the wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. देखिए, ले आइए वापस. टू क्रॉनिकल 7:14. तो प्रभु क्या बोलता है कि मेरे सामने तुम्हारे को अहंकार करने का फायदा कुछ है नहीं. और क्या है कि जो लोग बोलते हैं प्रभु के लोग हैं, अगर वो अपने आप को नम्र करेंगे और दुआ करेंगे और मेरे चेहरे को सीख करेंगे और अपनी गलत विकेट चीजें छोड़ देंगे, एंड आई विल हियर फ्रॉम हेवन एंड विल फॉरगिव देम, तब मैं उनको आसमान में से सुन के माफ करूंगा, उनके पाप को माफ करूंगा और उनके लैंड को भी हील कर दूंगा. अभी आप एक बात सुनिए, आलू किधर उगता है? टमाटर कहां उगते हैं? मुर्गी किधर चलती है? जमीन में है नहीं. ये जमीन अगर अच्छा उपजाएगी तो हमारे को अच्छा खाना मिलेगा. वो कब उपजाएगी अच्छा? जब प्रभु हमारे लैंड को देगा. कोई कुछ ही करता रहे लेकिन वो उसको बदल देगा. He will change it. तो मेरी दुआ है कि हम लोग नम्र होके प्रभु से माफी मांग के दुआ करते हैं और प्रभु जो है हमारे को माफ करता है और वो हमारे को जहां से हमारे टमाटर आते हैं, जहां से हमारी उपज आती है, जहां पे चलते हैं, जहां काम पे जाते हैं, उस धरती को हील करे, इंडिया को चंगा करे. आमीन. यस. इट्स अ स्टेप बाय स्टेप थिंग टुवर्ड्स हीलिंग. ज्वाइन मी. अगर आप बहुत बीमार हैं तो यहां लिखिए क्या बीमारी है आपकी.
anything connected with him. Karan Sandhu ji, Sonu Masi ji, sabka swagat hai, Bhavna, Yamdev ji, bless the Lord. So, you know, Prabhu ko sach bolna chahiye. Aap mere liye dua kijiyega agar aapki dil mein hai. Mere pairon mein bada dard hota hai aajkal. To kuch logon mein aur bahut sare believer mein maine dekha hai, wo maante nahi ki wo bimar hai. Kaafi mein dekha maine ahankar hai aur wo sochte hain ahankar nahi hai, hamara spiritual faith hai. Are kaisa faith? आप झूठ को सच कैसे बना रहे हैं? आप झूठ को सच कैसे बना रहे हैं? कहां पे बाइबल में ऐसा लिखा है? प्रभु मुझे कैंसर नहीं है पर मुझे चंगा दे, मैं अंधा नहीं हूं पर फिर आंख दे, मैं लंगड़ा नहीं हूं पर मेरे को चला. ऐसा नहीं ना, लोग आके प्लीट कर रहे हैं यीशु मसीह. जिसको बीमारी उसको मालूम पड़ता है जब दर्द होती है, ये प्रभु मेरे को तोड़ दूर कर, मेरा दर्द दूर कर, मैं मर गया हूं मुझे जगा. आदर्श दर्द है, अंगूठे में दर्द है, सर में दर्द है, माइग्रेन है. माइग्रेन दर्द बीइंग हील्ड राइट नाउ. सर का दर्द हील हो रहा है. किसी का ये प्रभु करता है, मैं नहीं करता. नाराज मत होइएगा मेरे से. तो ये प्रभु हील करता है. और ये जो है किसी के, एक बच्चे का मैंने पढ़ा था सुबह, उसके उसके सर में फ्लूइड आए जा रहे हैं, फ्लूड आए जा रहे हैं और उसका बचना मुश्किल है. प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि हमें गुड न्यूज मिले प्रभु के वो बच्चा ठीक. अगर किसी के भी ब्रेन में फ्लूड भर रहा है अभी आज इधर या जो मुझे देख रहे हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि वो फ्लूड भरना बंद हो जाए, प्रभु सूख जाए यीशु मसीह के नाम से. आज वक्त है जब मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी बीमारी लिख सकते हैं. वैसे तो आप सौ की तादाद में लिखते हैं, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं जाएगी. आई एम टॉकिंग अबाउट हीलिंग, आई एम टीचिंग अबाउट हीलिंग टुडे, हीलिंग ऑफ स्पिरिट सोल बॉडी. अगर आपको कुछ फिजिक्स में समझ नहीं आया, अगर आप टीचर को पूछेंगे नहीं जाके कि समझ नहीं आया, तो कैसे टीचर समझाएंगे? अगर आपको इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आया तो आप जब तक टीचर को बोलेंगे नहीं तो कैसे समझ आएगी? बोलना पड़ता है, मानना पड़ता है कि हमारे को कम ये नहीं आता है, हमारे को ये तकलीफ. गॉड विल हील एवरीबॉडी, बट व्हाई पीपल हैव टू कम एंड टेल जीसस? व्हाई पीपल हैव टू कम टेल पीटर, पॉल, मैथ्यू एंड जॉन? व्हाई पीपल हैव टू कम टेल जेरेमिया, इलाइजा, इलाइशा? व्हाई पीपल हैव टू कम एंड टेल देम दैट दिस इज अ प्रॉब्लम? बिकॉज सम पीपल आर अनॉइंटेड, एवरीबॉडी इज नॉट. देखिए कितनी खूबसूरत वर्ड्स है, समझिए आज हीलिंग. आप सब भी समझिए जो यहां बैठे हुए हैं. साम 6:2, हैव कंपैशन ऑन मी, मेरे पे दया कर प्रभु, मेरे पे दया कर प्रभु. लॉर्ड फॉर आई एम वीक, कि मैं कमजोर हूं. प्रभु को कमजोर बताना अच्छी बात होती है. प्रभु मैं कमजोर हूं, हील मी, हील माई फीट लॉर्ड, हील माई ज्वाइंट्स लॉर्ड, स्किन लॉर्ड, हीलिंग फ्लो लॉर्ड, हील मी लॉर्ड फॉर माई बोन्स आर इन एग्नी, माई बोन्स आर इन एग्नी. और ये दाऊद साहब बोल रहे हैं, ये आपसे कोई कम नहीं थे, ज्यादा ही थे. बोन्स आर इन एग्नी. To tell God truly is a good thing. आपको temptation है, आपको problem है, आपको हड्डी में दर्द है, आप रात को 3 बजे उठ के चॉकलेट खाएंगे ही खाएंगे, ये खाएंगे ही खाएंगे, फ्रिज की तरफ जाएंगे ही जाएंगे. जब आपको, मुझे ये समझ नहीं आती यार, मेरे को अगर उदासी होती है तो मेरी भूख मर जाती है. कुछ लोगों की उदासी में भूख बहुत बढ़ जाती है. देखिए हाँ हाँ कर रही, बढ़ जाती है. मेरे को तो भूख नहीं लगती, मेरे को तो लगता है
कुछ भी अच्छा लगता है। कुछ लोग खाते दबा के आए डिप्रेशन, ये अच्छा तरीका केक खाने का है, और होता होगा शायद, वैसे भी होता होगा, पता नहीं होता है। अच्छा विद विमेन आपको भी होता है? तो यार गायब क्यों हो जाता है? तो हमारे को प्रभु को सत्य बताना है, तो प्रार्थना है मेरी प्रभु किसी को कान से दाहिने कान से सुनता नहीं, प्रभु आप टच कीजिए और हील कीजिए। भाई आंख से नहीं दिखता है प्रभु, भाई आंख से दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है प्रभु, हील कीजिए प्रभु। मेरी प्रार्थना हील करने वाले आप है, मैं कौन हूं? प्रोटेक्शन साम 34:20 For the Lord protects the bone of the righteous. जो प्रभु के होते हैं उनकी हड्डियों को प्रभु बचा के रखता है। Not one of them is broken. एक भी नहीं टूटे। लेकिन प्रभु के साथ सही तो होना है। ये स्क्रिप्चर को याद रखना है। है वो हमें भी हील करे, हमारे लैंड को भी हील करे। वर्शिप करनी है प्रभु की। सैटरडे नेशन प्रेयर करनी है। Mr. Harrison, I pray that God heals your skin problem and knee pains. I pray, receive it now in the name of Jesus, Mr. Harrison. Kanchan Nagde, white spots, patches and skin problems be healed in Jesus' name. Some people are sick, they are on the bed. It's the reality of life. Hospitals mein hai, gharon mein sick bed mein hai. Reality hai. Psalm 41:3 मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग बिस्तरों से उठेंगे। The Lord will sustain him upon his sick bed in his illness. मतलब थोड़ी देर आप रहेंगे सिक बेड पे, लेकिन आपको सस्टेन करेगा प्रभु। शायद आपको कुछ प्रभु सिखा रहा है, शायद एक प्रोसेस है। You restore him to health. पर आप जो बिस्तर पे है, दर्द के बिस्तर पे हैं, प्रभु आपको आज और या बहुत जल्द आपकी हेल्थ को रिस्टोर करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। स्टमक एंड बैक, हैरिसन्स वाइफ बी हील्ड फादर। प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द होली गोस्ट, रिसीव। Psalm 41:4 हु इज द साइमिस्ट? Mostly David. Psalm 41:4 में handsome man, healthy man, warrior, poet king, बीमार है। As for me, I said, O Lord, be gracious to me. मेरे पे दया कर प्रभु, heal me. मेरे को heal कर प्रभु. I have sinned against you. मैंने तेरे विपरीत बात की। तो ये सब हमारे जैसे लोग थे, लेकिन प्रभु ने कितना इस्तेमाल किया। परफेक्ट लोग सिर्फ तीन हैं, फादर, सन, होली स्पिरिट। बाकी सब में कमियां थी, सब में चीजें थी, लेकिन ये लोग वापस आके बोलते थे, प्रभु मैंने पाप किया, मुझे माफ कर। और कोशिश करते थे पूरी कि फिर से पाप ना करें। समझ गए? As for me, I said, O Lord, be gracious to me, heal me, for I have sinned against you. तो अगर हमने कहीं भी प्रभु के साथ कुछ पाप किया है, ये मैं जब स्क्रिप्चर पढ़ाता हूँ तो लोगों को पड़ोसी के पाप, भाई ये वो पाप कर रहे हैं, वो पाप कर, दूसरों के पाप कर रहा था। वर्ड ऑफ नॉलेज आ रहा है, वर्ड ऑफ नॉलेज आ रहा है। तो वो बोलता है दूसरों के नहीं, तेरे तेरे तेरी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व, तेरे और मेरे बीच में आदमी इसमें है ही नहीं है, माफ करूं। तो अगर आपने कुछ किया ऐसा जिसकी माफी मांगना जरूरी है, तो हम सब, मैं आपके साथ में माफी मांगता हूं, आप भी मांगिए और प्रभु आपको हील करेगा। I pray good health for Hitesh and his family, his business. Pray for his children. Pray for all that he is doing. I pray, Lord God. Be blessed. Good health for Hitesh Bidhani ji. Deepa Ghani's diabetes, Father God, to be healed. In the name of Jesus, TB to be healed right now. I rebuke
in the name of Jesus. Anoint the medicine. Rani Bhatti ji, praise the Lord. बहुत बढ़िया है. साम 103 1 टू 5. साम 103 1 टू 5. प्रेज द लॉर्ड ओ माय सोल, ऑल माय इनरमोस्ट बीइंग प्रेज हिज होली नेम. वर्शिप आया, अब यार प्रेज, तारीफ, तारीफ करो उस खुदा की, उस प्रभु की, उस भगवान की. अपने पूरे सोल से, सोल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. मेमोरीज, जो लैंग्वेजेस हमारे आती हैं वो सोल में है, हमारे पास जो है वो हमारे सोल में है. बड़ी चीजें सोल में. सोल इज लाइक अ कैमरा. जब हम प्रभु की तारीफ करते हैं तो उसके हम बेनिफिट्स ना भूलें, तो उसके बेनिफिट्स होते हैं, उसके फायदे होते हैं. Who forgives all your sins and heals all your diseases. जो आपके पाप माफ करता है, and all your diseases, सारी diseases आपकी heal करता है वो. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. अगर आप खड्डे में हैं आज, तो वो आपको उठा लेगा खड्डे में से. उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है. And crowns you with love and compassion. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like an eagle's. कितनी अच्छी बात है. I pray for Bhavna Hemdev that she be blessed with a child in Jesus' name. Receive Bhavna in Jesus' mighty name. Receive. अगर आपका दिल टूट गया है किसी रिलेशनशिप में, या किसी भी वजह से किसी ने धोखा दे दिया आपको, तो साम 147:3 आपका दिल प्रभु हील करेंगे. साम 147:3 ही हील्स द ब्रोकन हार्टेड एंड बाइंड्स अप देयर वुंड्स. अगर आपके दिल टूटे हुए हैं तो प्रभु आपका दिल को जोड़ देगा और आपके घावों को हील कर देगा. अच्छा बोलिए. ये देखिए, आपको हील होना है तो अच्छा मुंह से निकालिए. शैतान की बात कम कीजिए, यीशु की बात ज्यादा कीजिए. ये मेरी बात याद रखिए. प्रोवर्ब 16:24 अपने आप को टेप करिए. एक घंटे में कितनी बार आपने शैतान का नाम लिया और कितनी बार यीशु का लिया, वो आपको प्रूव कर देगा कि आप शैतान की फैन है या आप यीशु की फैन है. 24. ग्रेशियस वर्ड्स आर लाइक अ हनीकॉम्ब. अच्छे लफ्ज हनीकॉम्ब की तरह, तो मीठे सच्चाई से निकलते हैं. स्वीटनेस टू द सोल एंड हेल्थ टू द वर्ल्ड. योर वर्ड्स कैन हील पीपल. या वर्ड्स हील और डिस्ट्रॉय. Pray, Father God, for Monica's family unity. There be extension. Unity. Poonam Verma, I'll pray for your health, but be a little more specific today, everybody, because God is going to heal. Pray for Poonam Verma, Father God, for her health. Whatever ails her, be healed in Jesus' mighty name. Suman Gupta, praise the Lord. I pray, Lord, that Suzette's mother, the vomiting, blood vomiting to stop in the name of Jesus. उनको जो blood की vomiting हो रही है वो रुक जाए. Severe stomach pain to be healed. Bhavna's mom. Let's go, Father God. Happy Messiah. हिंदी में बताओ पास्टर. चलो हिंदी में सुनो सुमन. जो अंग्रेजी में लिख रहा है उसको हिंदी में कैसे सुनो.
प्रार्थना करता हूँ गंजन नागदेव जल्दी से नानी बने कि दादी दादी बने जल्दी से यीशु मसीह के नाम से. मैक्स प्रिंस हिज मैरिज बी हील्ड फॉर इन द नेम ऑफ जीसस. Pura Varma, what should I pray for your daughter? I pray, Lord God, that her daughter be blessed, Father God, in the name of Jesus. I pray for Hitesh's mom, unki diabetes heal ho jaye, Prabhu, aur bacche ekdam tandurust ho jaye, Yesu Masih ke naam se. Amen. Great Puram. You're listening to me. God bless you in your home. Your home से everybody is watching me. जो मुझे देख रहे हैं प्रभु उनके घरों को आशीषित कीजिए प्रभु. और जो भी शैतानी है वहां से निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से. और आपकी रूह से भर जाए सब घर, ये ऑफिस और सब घर प्रभु आपकी रूह से भर जाए. और जो भी शैतानी ताकते हैं प्रभु, जो भी जल टोना है प्रभु, जो भी जनरेशनल कर्सेस है टूट जाए प्रभु पूनम के घर से और सब घरों से यीशु मसीह के नाम से. आमीन. लाइक दवाई है सर, आपके लिए दुआ कर रहा हूं मैडम. खुश रहिए, मैं खुशी के बहुत मैसेज देता हूं. Proverbs 17:22. A joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. एक खुश दिल आदमी जो होता है, खुशी एक मेडिसिन की तरह है यीशु मसीह के नाम से, एक दवाई की तरह है. तो वो दवाई फ्री में अवेलेबल है, यूज कीजिए, खुश रहिए. Matthew 4:23, the greatest healer in the universe. And he went throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom. Prabhu Yesu pure Galilee mein gaye aur khushkhabri ke Prabhu ka raj paas mein hai batate hue, and healing every disease and every affliction among the people. Har disease ko, har sickness ko heal karte gaye. Receive healing from Jesus. You have pain in the feet, in the knees, skin problem, ear, cataract, cancer. The Lord is the same yesterday, today and forever. Prabhu, jaisa kal tha, waisa aaj hai aur waise kal hai. To jo yahan kar rahe hain, wo abhi karenge. To aap jo dekh rahe hain mujhe aur yahan baithe hue mere saath mein, receive kijiye apni healing. Subah aap uthenge aur ekdam naye honge Prabhu, naya goda, naya hip, sab naya. नई स्किन रिसीव कीजिए. अभिषेक है यहां. अभी आप बोलेंगे ये कौन है आदमी जो हीलिंग की बात कर रहा है, तो मैं ये बोलूंगा मैथ्यू 10:1.
and called him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every sickness, disease and every affliction. फिर उसने अपने अपने शिष्यों को बुलाया और उनको वही पावर दी जो उनमें थी कि हर अनक्लीन स्पिरिट को निकाल सकें और सिकनेस हील कर सकें. तो इस वजह से मैं यहाँ आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ और आपके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ, यीशु आपको हील कर सकता है. कमांड दिया प्रभु ने Matthew 10:8 में, हील द सिक, रेज द डेड, क्लेंस द Cleanse those who have leprosy, drive out the demons. Freely you have received, freely give. जाओ, बीमारों को ठीक करो, मर गए उनको जलाओ, जिनको जिनको लेप्रसी है उनको ठीक करो और शैतानों को भगाओ. मैंने तुम्हें फ्रीली दिया है, फ्री रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से. आमीन. रिसीव कीजिए. Luke 5:17 बोलता है, and the power of the Lord was within him to heal. We need his power to heal, to deliver, to set people free. We can't do it without his power. Be aware of that power. प्रभु यीशु ने कुबड़े लोगों को, प्रभु यीशु ने अंधे लोगों को, वो औरत जो उसने छूना चाहती थी, उसकी 12 साल की खून की बहने को, पैरालाइज लोगों को, फिट्स वाले लोगों को, ट्यूमर्स वाले लोगों को, शैतानी आत्माओं से पकड़े हुए जकड़े हुए आदमी को, यहां तक कि एक आदमी जो 4 दिन कब्र में था और प्रभु वहां जाके रोए, लाजरस को भी बाहर निकाला. तो मेरा मैसेज आपके लिए ये है, आज प्रभु जैसा कल था, आज है और हमेशा रहेगा. और मेरी प्रार्थना है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं और प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे, बाद में टाइम मिलने पर मैं जरूर प्रार्थना करूंगा. मेरी प्रार्थना है कि हर बीमारी भाग जाए आप में से जो मुझे देख रहे हैं, जो यहाँ है, कैंसर प्रभु चला जाए, ट्यूमर्स चले जाए. प्रभु प्रार्थना है मेरी, प्रभु आपकी कृपा से हीलिंग फ्लो करे. प्रभु लूपस चला जाए, प्रभु टीबी चली जाए, प्रभु हार्ट डिजीज चली जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु स्ट्रॉन्ग हार्ट्स मिले, प्रभु दिल की बीमारी चली जाए प्रभु. और प्रभु आर्थराइटिस, पैर की उंगलियां मुड़ गई हैं, हाथ की उंगलियां मुड़ गई हैं, प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि वो आर्थराइटिस से बचाए. प्रभु प्रार्थना है मेरी, प्रभु अपनी कृपा से भरिए. प्रभु आपकी कृपा रोज नई नवेली अद्भुत है. प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी हवा चलाइए, आपके कोड़ों से शिफा मिलती है. प्रभु जैसे लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, हील हो प्रभु, हर बीमारी जाए प्रभु, हर शैतानी ताकत जाए प्रभु, हर जेनरेशनल कर्स जाए प्रभु. प्रार्थना करता हूं रावा शे बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस, रिसीव योर हीलिंग नाउ इन जीसस माइटी नेम. रावा री रावा सा स्त्रमांदर मशे मसा मंदर मशे स्त्रमांदर मसा रावा री रावा शे. प्रे फॉर योर मनी ऑल्सो फादर गॉड, बिजनेसेस फादर गॉड, आपके बिजनेस के लिए, आपके पैसे के लिए बढ़ोतरी दे प्रभु. प्रभु बढ़ोतरी का प्रभु है, कटौतरी का नहीं है, नफे का है, नुकसान का नहीं है. नफा हो और खूब हो, 7 गुना 30 गुना 100 गुना नफा ज्यादा हो यीशु मसीह के नाम से. गॉड लव्स यू एंड आई लव यू टू. बाय बाय.